हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सभी क्लास 10 के साइंस में पढ़े थे जेटी फाइबर का अगला टॉपिक एक्रिलिक फाइबर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था पॉलिएस्टर के बारे में, आज हम सभी पढ़ेंगे एक्रिलिक फाइबर के बारे में। ये एक्रिलिक फाइबर क्या होता है? एक्रिलिक ए सी आर वाई ए आई सी एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। एक्रिलिक फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर भी पॉलिएस्टर की तरह ही एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन पॉलिएस्टर ईस्टर के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। बट यार एक्रिलोनाइट्राइड क्या नाम है उसका? एक्रिलोनाइट्राइड एक मोनोमर है जिस मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से फाइबर बनाया जाता है। एक्रिलिक फाइबर जो होता है इसकी प्रॉपर्टी भी, ये चूंकि सिंथेटिक फाइबर है इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी भी बाकी सारे सिंथेटिक फाइबर से मिलती जुलती होती है। एक्रिलिक फाइबर की प्रॉपर्टी ये होती है, प्रॉपर्टीज यह होता है लाइट वेट का मतलब ये हुआ यह हल्का होता है, यानी कि इसको पहनने से फील नहीं होता है कोई वेट हमारे बॉडी पे, कोई ब्लॉक करने वाले, काफी हल्के वेट का होता है। उसके बाद सॉफ्ट होता है और वार्म होता है। लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है और वार्म होता है। तो इस सॉफ्ट और वार्म होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग वूलन क्लॉथ के सब्स्टिट्यूट में करते हैं, यानी वूलन क्लॉथ बनाने में भी एक्रिलिक फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह काफी सॉफ्ट और वार्म होता है, गर्म होता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में नहीं पहन सकते हैं। वार्म होने की वजह से इसका यूज हम लोग जाड़े के दिनों में करते हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, यह काफी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल होगा। ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल भी होता है लॉन्ग लास्टिंग, यानी एक्रिलिक फाइबर एक बार खरीद लिया तो काफी लंबे समय तक टूट फूट नहीं होता है, बढ़ता नहीं है यह। उसके बाद या इसकी एक और खासियत होती है क्विक ड्राई क्वालिटी, क्विक ड्राई क्वालिटी इसकी होती है, यानी कि इसको धो और यह जल्दी से सूख जाता है। तो क्विक ड्राई इसकी क्वालिटी भी होती है। ये फाइबर ऐसे होते हैं जो ये सिंथेटिक फाइबर है, तो सिंथेटिक फाइबर की कुछ प्रॉपर्टी उसकी कॉमन होती है जिसकी चर्चा हम इसी में जस्ट करेंगे अभी। तो इसमें मौत का या ऑर्डिनरी केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है और यह आसानी से डाई किया जा सकता है, रंगा जा सकता है, इसको रंगीन किया जा सकता है। एक्रिलिक फाइबर वूल के जैसा फील होता है, वार्म होता है और इसका फील छूने पे या वूल के जैसा लगता है, इसी वजह से इसका वूलन क्लॉथ बनाने में भी यूज होता है। चलिए, तो ये एक्रिलिक के बारे में आज आपने जान लिया। अब हम सभी आदमी जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़े हैं, उन सारे सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कॉमन प्रॉपर्टी में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इसका जो होता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। कोई भी सिंथेटिक फाइबर में ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसमें यह ड्यूरेबल भी होता है, ड्यूरेबल लाइक लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी लंबे समय तक यह काम करता है। उसके बाद लिटिल वाटर एब्जॉर्बेंट वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी इसकी काफी कम होती है, साथ ही साथ यह रिंकल रेसिस्टेंट होता है, यानी कि इसमें सिकुड़ापन वगैरह नहीं आती है, रिंकल रेसिस्टेंट। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट का मतलब कि हल्के होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं,
और ये फाइबर जो होते हैं वो एक्सट्रीमली फाइन होते हैं। फाइन का मतलब पतला, काफी पतला फाइबर होता है। एक्सट्रीमली फाइन यानी कि ये फाइबर जो होते हैं वो काफी पतले होते हैं। उसके बाद और भी है, दीज फाइबर्स आर नॉट अटैक बाय मॉस, मॉस का इस पे अटैक नहीं हो पाता है और किसी तरह के केमिकल का भी कोई इफेक्ट सिंथेटिक फाइबर के ऊपर नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी खासियत इसकी होती है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है नेचुरल फाइबर के मुकाबले, या कम खर्च में और इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनको मेंटेन करना काफी आसान बात है, यानी कि इस पे ज्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारी की सारी कुछ प्रॉपर्टीज है जो सिंथेटिक फाइबर्स में कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं इन सिंथेटिक फाइबर्स की कॉमन प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेज में ये इस फाइबर की जो डिसएडवांटेजेज होती है जो अभी आपने देखा, तो डिसएडवांटेजेज में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेज ये ऐसे फाइबर्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये सड़ते गलते नहीं है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलने का ज्यादा खतरा इसमें रहता है। दूसरा, ये स्वीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, स्वीट मतलब पसीना, ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो पसीना को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो पसीना को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, या गर्मी के दिनों में हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। कोई भी सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर के मुकाबले यह कम कंफर्टेबल होता है। हाँ, ये ड्यूरेबल होता है बट यह कंफर्टेबल कम होता है। साथ ही साथ ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो इजीली चार्ज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इस पे जल्दी से आ जाता है। इसीलिए कुछ कुछ लोगों में उसके बॉडी के जो हेयर है उससे फ्रिक्शन की वजह से चार्ज करता है, चार्ज की वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम का ज्यादा चांस रहता है, ज्यादा खतरा रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस में हमने आपको क्या क्या बताया, कि सबसे पहला डिसएडवांटेज यह बताया कि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, दूसरा यह स्वीट एब्जॉर्बेंट नहीं होता है यानी पसीना को आसानी से नहीं सोख पाता है, तीसरा इसका एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज ये है कि ये चार्ज हो जाता है, चार्ज होने की वजह से यह क्या करता है, स्किन प्रॉब्लम भी फैला सकता है और यह स्वीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से यह गर्मी के दिनों में क्या होता है, या बरसात के दिनों में यह उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। कुछ बच्चों ने डाउट क्लास में पूछा था पेरा नोटा के बारे में, जो आपके बुक में शायद हमने तो देखा नहीं है, आप कहीं देखे तो आप बताएं। टेराकोटा ये सिर्फ नाम सुनने में हमें पूरा अजूबा लगता है, मतलब हमने ज्यादा नहीं सुना, इसीलिए हम लोग इसके बारे में डाउट करते हैं। टेराकोटा हर कोई देखा है, मिट्टी का बर्तन आप देखते हैं, मिट्टी का जो बर्तन होता है, सो बस वही बर्तन टेराकोटा होता है। पहले के समय में लोग क्ले जो होती है मिट्टी, उस क्ले का पॉट बना करके पकाया करते थे। टेराकोटा में जो अर्धन पॉट होता था उसको पहले बनाया जाता था, क्ले का घर घड़ा बनाया जाता था या बर्तन या फिर कोई पॉट बनाया जाता था, फ्लावर में से भी बनाया जाता, अभी बनाया गमला, तो वो मिट्टी का बनाया हुआ रहता है कि उसको लगभग 1000 डिग्री फारेनहाइट पे पकाया जाता है आग में रख करके पकाने से उस मिट्टी का कलर ब्राउन हो जाता है, ऑरेंज टाइप का, तो उस ब्राउन कलर और वो काफी हार्ड हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है। तो वही जो पॉट होता है वो टेराकोटा कहलाता है। तो अब हमें लगता है कि टेराकोटा के बारे में भी आप खुद समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में इतना ही जानेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ने के लिए। थैंक यू।